अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो वसुंधरा जी, या हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, हमने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। okay, अगर आपकी रीच थोड़ी और ज्यादा होगी ना तो फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आएंगे, दे वुड वॉन्ट यू टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड उसमें आपके मॉनिटरी इनकम भी होगा, बट फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज यू विल गेट 1 लाख फॉलोअर्स। मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया एंड मतलब आप समझ ही रहे ना, एक काम करती हूँ, मैं एक्चुअली इज माय बॉयफ्रेंड, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप उनको कॉन कॉल पे ले लो हमारे साथ में, आप उनको समझा देना और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अरे ठीक है, ओके, फोन लगा रही हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है ना ये सब में, प्लीज होल्ड पे रहिए। हाँ जी जी, व्यक्ति संगे आपनी कथा बोलछेन, तिनी आपनार कॉलटी होल्ड दे रखे थे। हेलो हेलो, हाँ आप थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया। सर मे आई नो योर नेम प्लीज? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वाते हैं, हमने मैम को ये बताया था कि 10,000 रुपए में उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड द मोमेंट उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनके इंस्टा हैंडल पे बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच करेगी उनके प्रोडक्ट के साथ में एंडोर्समेंट के लिए। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो शी वाज नॉट बिलीविंग अस, उसने बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से एक बार बात कर लीजिए। ये सब फेक होता है, मतलब पैसा ले लेता है उसके बाद काम नहीं होता है, फोन पे तुम किसी को कैसे भरोसा कर सकते हैं। जो बाय द वे आप क्या आर्यन दासगुप्ता बोल रहे हैं जो टॉलीगंज में रहते हैं? हाँ जी, आपको कैसे सर, आपने कुछ दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड सलोनी के लिए इंस्टा फॉलोअर्स हम ही से लिए थे इफ यू रिमेम्बर। मैंने तो नहीं दिया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं थर्ड ईयर में। एक्सक्यूज मी सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों, व्हाई यू लाइंग? आर्यन प्लीज टॉक टू मी प्लीज, ये क्या हो रहा है? अरे सुनो, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पूरा पता वाला तो बता रहा है ना, फ्रॉम विच कॉलेज? भाई मुझे नहीं पता, हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आपकी आवाज भी मैच हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। नहीं आप गलत हो, हू आर यू मैन, मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी यार। अगर यही आपके बॉयफ्रेंड है तो क्लास 12 इन्होंने लोरेटो हाउस से करा है। एंड इनके तू है कौन भाई? तू इनके पापा में काम करते हैं। अरे कितने को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बाबू उसका? अरे ना, आप एक मिनट चुप रहे हैं, मैम क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे बात करना है। जी कौन सी लड़की का नाम लेके गया था? सलोनी। कौन सलोनी? सलोनी मोहित्रा। बाबू ऐसा पूछ नहीं प्लीज। नहीं आर्यन आप फॉलोअर्स बढ़ाते हो, 10,000 रुपए देखे। 20,000 का दिया था, 20,000 का। तू चुप रहे, काहे आग लगा रहे भाई? मैं किसी सलोनी को नहीं जानता हूँ, चला दूंगी तुझे, समझा ना? अरे भाई लागे क्यों हंसते हो आप लोग? मैम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मैं और आर्यन मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो दीपक जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। कौन? हाँ जी, हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। आपकी हाइट 5'8" और वजन तकरीबन 85 किलो, 85 kgs, राइट? हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर आप जरा हमारे ऑफिस आ जाइएगा, आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा। आई मीन कार्ड के किस लिए, थोड़ा डिटेल में बोलिए। हम कोलकाता के ब्रिजेस को सेफ रखने के लिए, हाँ जी, ब्रिज पर किसी भी 85 kg से ज्यादा वजन के इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हैं एट अ टाइम। तो आपकी गाड़ी में सिर्फ आप ही ट्रैवल कर पाएंगे 85 kg वजन जो आपका है वो लेकर के। हाँ जी सर, तो आपने प्रॉब्लम में डाल दीजिए क्योंकि मेरे तो ऑफिस जाना पड़ता है हर सुबह को, मैं तो मेरी बीवी भी साथ रहती है, तो क्या करें? सो आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिज पर चढ़ने से पहले अपनी बीवी को उतार दीजिएगा, आप जब ब्रिज पार करके उस साइड जाएंगे वहां से अपनी बीवी को कलेक्ट कर लीजिएगा और बीवी पीछे से बस ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ के आ जाएगी। बीवी को कलेक्ट करने मतलब पार्सल है क्या मेरी बीवी? थोड़ा सोच समझ के बात किया कीजिए, किसी की बीवी के बारे में बात करें आप, ठीक है? ठीक है, आप वैसे भी मतलब क्या है बीवी में क्या रखा है वो? आप साले अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है? बीवी के बारे में बात कर रहे तू? देखिए भाई साहब, अब और तो कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, आपको एक ही जन अलाउड है ब्रिज के ऊपर में, तो या तो आप उतरिए या आपकी बीवी को उतारिए। अबे तू कब से तेरे को ये समझाने की कोशिश करो, मेरी बीवी है जो डिवोर्स करवाया क्या? वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा है सर, इतना कष्ट है आपको बताइए, ऑफिस से घर रिटर्न करते फिर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। अरे ए, 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 अपना मुंह संभाल, ठीक है? कब से क्या क्या बोले जा रहा है? सच बोल दिया तो आपको ऐसे बुरा लग गया, बर्तन धोने पड़ते हैं, सुबह आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है 3 BHK फ्लैट में आपके? अबे साले तू कब से ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? लास्ट संडे आपने, लास्ट रविवार आपने, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रहा है तू? लास्ट रविवार आपने खिड़की भी साफ करी है? अबे साले
इतना सारा कैसे मालूम है सर आपका? बेडरूम में क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, तेरे को कैसे मालूम? आपका सर आधार कार्ड लिंक्ड है ना सर, तो उससे सब पता चल जाता है कि आप क्या क्या करते हैं। आप करते ना बर्तन धोना वगैरह? लिंक है, मेरा सीसीटीवी लिंक नहीं है। एक मिनट सर, ए ओ ऊपर से पांच नंबर फाइल निकालना, पांच नंबर। हाँ सर निकाल रहा हूं। अच्छा सर, सर रिपोर्ट देखिए सर, रिपोर्ट देखिए कल का, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या तेरा नंबर निकाल रहा है तू, क्या खबर निकाल रहा है तू? ये संडे को लिखा हुआ है कि संडे को आप सर पंखे भी साफ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या प्लान? तू सामने मिलेगा तो आप मेरे सामने एक बार, अच्छा दिल पे आंसर के बताइए दीपक जी, आपको करना पड़ता है ना ये सारा काम। अभी तेरे को क्या, बीवी मेरी है, घर मेरा, मैं जो करूँ तेरा। और सर आपको हर दो दिन में एक बार बीवी के पैर भी दबाने पड़ते हैं? सर मैं तेरा गोला ही दबा दूंगा। आपकी बीवी ने कहा था आपका मुर्गा बनाने के लिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपकी बीवी ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए सॉरी जी, देखिए कुछ माइंड मत कीजिए, हम माइंड नहीं करेंगे, आप जब माइंड नहीं कर रहे सारा काम कर रहे, हम कर रहे माइंड। मोटी सारी फसाद की जा रहे बीवी को ऐसा बोल रहे हैं, मोटी सारी फसाद की जा रहे? नहीं नहीं वैसी नहीं है। हेलो, हाय जी, यू बुक्ड योर टिकट्स फॉर येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट इफ आई एम करेक्ट? यस आई हैव। यस सो आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दर्शन रावल, राइट? आई एम अ बिग फैन, सो लेट मी टेल यू आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दर्शन रावल्स ऑफिस। ओके, एंड दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God! Seriously? Yes. Okay. Right. So, मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ। Oh. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल। यस आई एम सीरियस, आई एम सीरियस एंड आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू दर्शन रावल। ओके, आप बात कर सकती हैं, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट एंड वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर फोन कॉल। दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप। हेलो, हाय, हेलो, आप बात कीजिए। हाय दर्शन जी, I'm सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई बीन फॉलोइंग यू एवरीवेयर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। हेलो, आप बात कर सकती हैं। हाय, आई होप यू हियरिंग दिस। हाय, हाँ आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं। Yeah, so I mean, this one time I even DM'd you, आपने रिप्लाई भी किया। I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ, आप बात कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए। Yeah, so but he isn't saying hello. तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकती है, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए। Oh hell! Oh my God! This is RJ Praveen from 93.5 Red FM and me and Neil, we're actually trying to pull a prank on you. Oh my God, you guys are so impossible. Arey, hi. अच्छा सीना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन। लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है, जावेद जी से बात करा सकते हैं। आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? या जावेद जी, सोलमेट, ओ माय गॉड, आई एम ऑफ कोर्स अ बुक द टिकट्स, लू मजावी है, तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल, वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूं आपकी। आई एम सॉरी आई डोंट बिलीव यू गाइस, ट्रस्ट एनीमोर, बिलीव अस यार, इट्स ओके, वो मजाक था ना यार, वो मजाक था यार, हाँ, तो मालूम है हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे, जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी। ओके, तो मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार, ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती हैं, ठीक है? मैं कनेक्ट कर दूं, मैं कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दे भाई, जस्ट होल्ड ऑन। ये एक से, बात कर सकती है आप, स्टार्ट करो।
हाय हाय जावेद जी, देखिए जिंदगी है तो फासले हैं और फासले हैं तो जिंदगी है। ओ माय, हेलो जी बताइए। जावेद जी सुनिए, बोलिए बोलिए। देखिए हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात कराएंगे। यार बैक टू बैक, देखिए ऐसा है, अब हंस रही है। राइट सर, because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Luma Joss, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे। हम लोग ठीक है, ये वादा है हमारी तरफ से, ठीक है। ओके, बट थैंक यू सो मच यार। आई शुड गेट दिस इन रिटन एक्चुअली। ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है, और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2। बजा दे रहो, मिला देंगे यार तुमको पक्का से, याद रहा। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, दिलनवाज जी से बात हो रही है हमारी। जी बताइए जी, हम बिजली विभाग से बात कर रहे थे। बिजली विभाग से जी, हम बताना चाहते थे कि इस महीने आपका बिजली का बिल तकरीबन 6,000 से 7,000 रुपए ज्यादा आएगा। अच्छा, ट्यूबलाइट आपने बहुत चला के रखी है इस महीने। भाई मेरे दो ही ट्यूबलाइट है घर के अंदर, वो भी ना जला के रखूं तो अंधेरे में। अरे भाई साहब, टोटल हमारा दिखा रहा है यहाँ पर 18 घंटे आपके टीवी पर ट्यूबलाइट चली है, सलमान खान की पिक्चर है ना, ट्यूबलाइट 6 बार। ट्यूबलाइट तो तू लग रहा है जिस तरीके की बातें कर रहा है। मेरी कौन से विभाग से बोल रहा है? बिजली विभाग से। अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को दिलनवाज जी, आप मीट कौन सा खाते हैं? झटका मीट ना हो गया क्या? झटका खाऊं या हलाल खाऊं तेरी? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए झटका जब आप खाते तो झटका किससे लगता है? बिजली से लगता है, तो यहाँ पर बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए आपका बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कौन तू भाई, कहाँ से बात कर रहा है? आपका लड़का है ना दिलवाज, एक छोटा सा। कौन? अब अगर आपके 7-8 है तो मेरे को क्या मालूम, हमें तो मालूम है आपके 2 ही हैं। जो छोटा वाला है उसको वो ब्लू कलर के पैकेट के अंदर में व्हाइट गोली आती है ना ठंडी वाली, आपके बच्चे को खाने की आदत है ना, मैं तुझे खिलाऊंगा। महीने के 60 खा जाता है वो, तो 60 बार दिमाग की बत्ती जलती है, तो दिमाग की बत्ती जलेगी तो बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ना आपका भाई। तू है कौन, कहाँ से बात कर रहा है? मैंने कहा आपको बिजली विभाग से हो, और किसी भी तरह से हमें जस्टिफाई करना है कि आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। आपने जॉली एलएलबी देखी ना इस महीने? जॉली एलएलबी हाँ, उसमें वो जो जो एलएलबी बना था वो कौन था, जॉली नाम था ना उसका, वो डुप्लीकेट है, वो एक्चुअली मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट था। अब सर्किट का बार बार इस्तेमाल होगा तो तार खराब होंगे और बिजली का बिल तो ज्यादा बढ़ेगा ना आपका। मैं बताऊं, जहाँ भी बैठा हुआ है ना, वहाँ पर सबसे पहले भाई साहब, आपके लड़के ने आपका नाम बहुत रोशन किया, मैंने सुना है। रोशन किया है, अभी पहले अपना तो नाम लिखना सीख ले, रोशन तो मेरा तब करेगा। और इतना रोशन करा, रोशन कैसे होगा, उसके लिए भी चमक के लिए बिजली चाहिए होगी, तो वो बिजली का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं? उसी सारी बिजली को एक तार में डालते हुए ना सीधा तेरी। देखिए वहाँ से डीसी करंट आएगा, बता रहा हूँ, जहाँ पे आप डाल रहे हैं। भाई बहुत बड़ी, भाई मैं आप बता, आप ये पूरा सुनकर आपके चेहरे पर जो चमक है ना, वो चमक से पूरा रोशनी फैल रही है, रोशनी के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। भाई तो मेरी क्यों दे रहा हो इस रोशनी को, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर वो सॉकेट दिखाई दे रहा है, अब तो प्लग। दिलनवाज, दिलनवाज भाई नमस्कार, मेरा नाम आरजी प्रवीण है और मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आपका नंबर यार, आपकी जो हंसी थी ना उसी से पकड़ लिए थे हम कि वो आप ही थे। पकड़ लिए तो आप छोड़ भी दीजिए, इतना पकड़ के क्या रखना। चलिए आप भी क्या याद करेंगे। हेलो नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे, आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर? हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या बोल रहे सर, हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर, 9/11 का हमला जो है वो हम लोग 6/11 को ही दिखा देते हैं।
मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं। आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना। सर मेरा नाम मृत्युंजय, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा ताकि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से, और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क, उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा सर? आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखें। इतनी अकल हमको है, हमारे नेटवर्क संभालो अपना, जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह का काटना हुआ ना सर? मत कर मेरे से। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे, जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है अगर आप हमें बताने की कोशिश करें? तकलीफ तकलीफ बता रहा हूँ क्या तुम लोग? इंशाल्लाह तकलीफ कम नहीं तुम्हारे लिए। एक दिक्कत तो सुलझाओ, और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजू सर। एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से डील किया जाएगा, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा सिम। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना, हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते? हम बस आपको इतना बता सकते कि मैं आरजू प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। यार ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा है तुम लोग, मजे ले रहे हो। हेलो जी, हमारी बात क्या विकास से हो रही है? हाँ जी जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम अमेरिकन। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा, आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल, बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब खुद अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है? और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है? एक मिनट रुकेगा, एक अपार हुआगा, हाँ पूरा 4 किलो निकालना। हाँ, वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से अमेरिका तो ले जाना है। हाँ तो एक मिनट रुके, गफार भाई क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, तो बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हंग रहा है, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग की ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? आज ही चाहिए तो ब्राउन निकालना। ठीक है ठीक है, एकदम भूरा कर देंगे इसको। क्या भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउन ही खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते ना टट्टी? हाँ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब लाइन में हगो, लाइन में हगो। देखिए अभी लाइन में यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो वो आपको ले जाना है आपके साथ में। आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना है ब्राउनी खाए अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे तो यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बातें लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेंगे ना। उनकी बातें पागल है क्या? यहाँ बैठे हुए हैं हम, यहाँ तो मतलब हग भर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे? पगले कहेंगे? अरे गरीब आदमी, आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। अजीत बेवकूफ भैया, हमारी बड़ी वाली आंत बाहर आ रही है, बहुत कर दी। विकास जी क्या सबसे मतलब विकास जी क्या आप अकेले उठा पाएंगे तो 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है। नहीं आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हग करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आ जा यार, हग कर ले हग कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हग कर ले। समलैंगी का है? समलैंगी नहीं बे, रेडियो जो की आरजे प्रवीण, रेड एफ 93.5 से आपका मुर्गा बना रहे थे।
अच्छा भैया 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम, ले जाओगे? भैया किलो में कैसे देंगे, तो पतला किया सब लीटर में जोड़ना। डीजे बहुत बड़ा फैन है सर आपका। थैंक्स, कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है, और आप जो होली पार्टी में जाने वाले हैं 2 तारीख को? जी जी जी, मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके, तो मैं चाहता था जो 2 तारीख के लिए आप जो आपका कंसोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचर टुचे, 2 नंबर के चिंदी चोर गाने बजाते हैं आप, मालूम आपको? अभी तो बोल रहा फैन हूँ, फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहे हैं? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप? नहीं तो 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 क्या डीजे मिक्स चल रहा है तेरा? तो 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 मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारा काम नाचना है, तुम नाचो। 50 होली के नॉन सब मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में, और खाली ऐसे गच 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 आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है। मत बनाइए, तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते आप एक प्रोग्राम का वैसे? आपको क्या करना है यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है समझा? 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के, यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी खुद नाच ले समझा। और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना मिक्स बाय डीजे दस, तो उस टाइम में आप फेडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे वहीं पे। ओह यो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू एंजॉयिंग, ऐसे करते हो आप? हाँ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? असर है ऊपर से, खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे अपना कौन सा जान बजाएंगे, हम ही बजाएंगे, आपको डीजे किराए पे नहीं देते समझे, किराए पे देने के लिए रखा डीजे है, डीजे डीजे है डीजे। डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार भाई तुम क्या यार, मजाक मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई है, जरा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार। लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो, तो मुझे पता है। हेलो देवशीत, हाँ लैब से बोल रहे थे। हाँ, अपनी टेस्ट को लेखाने को দিছিলেন তো? হ্যাঁ, এটা রিপোর্টটা চলে এসেছে। আমি ফোনই বলে দিয়েছি আপনাকে, রিপোর্ট যেটা বলছে রেড ব্লাড কর্পাসকিউল আপনার প্রায় 47 লাখ, আর হোয়াইট ব্লাড কর্পাসকিউল আপনার হচ্ছে 27 লাখ, দুটো যোগ করেছিস তোরা? হ্যাঁ স্যার, নিয়ার অ্যাবাউট 73 লাখ। মতলব কি? আপ কিয়া ঘি খাতে হ্যাঁ খাতে গরম মতে ঘি ভালো লাগে তো এসা হ্যায় কি আপকো কুত্তে কো ঘি হজম নি হোতা মানে আপকো নি বলতা ও বেটে কা পেপার থা ও চেক করা রাখো আপ মুঝে রিপোর্ট बता रहे हो बेटे का पेपर। ये बताइए कि आप अदरक के शौकीन हैं? हाँ खाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक खाते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। छेलेर पेपर टा देखिए एक तो दारण नाम। अरे आपने डिसाइड कर लेना आपने की करबे ना अपनी पेपर। सुनो सुनो सुनो, आपने आपने जीरा खान? जीरा क्या जीरा दे तुम्हें बोलबे उठते मुँह में जीरा? नहीं बोलना कुछ और था, लेकिन अब जब आपने बोल दिया तो हम कुछ और ही बोलेंगे। দাদা এরকম গালাগাল দেবেন না, আপনি যে রিপোর্টটা এখানে দিতে এসেছিলেন দাদা আপনি স্টুলের স্যাম্পলটা দেননি। স্টুলের স্যাম্পল নিয়ে কি করবে? আপনার স্টুলটা কি কালো হয় মানে পটিটা কালো হয়তো? তো তোমার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? আপনার ডালটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। কি বলছে বেটা, কে এটা? কিউকি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। দেখুন এইভাবে গালাগাল না, দাঁড়ান আপনার রিপোর্টটা দেখি বলছি। রিপোর্টে লেখা আছে আপনার KBNH2 হয়েছে। আপনার কি হয়েছে? KBNH2 হয়েছে আপনার। মানে KBNH2 জানেন না আপনি? কি করে আমি জানবো মা? KBNH2 হয়েছে, আপনাকে আগে আরো কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। আগে বল KBNH2টা কি? কোন করে বলছে KBNH2 কি? এটা কি ভাইরাস? KBNH2 মানে কুছ ভি নাই হুয়া হ্যায়। তো দাদা ম্যাম সামনে দেবো তো আমি চিনিস না আমাকে এই এলাকায় আমার নামে কেবিন একবার বলছি ধীরে বোকা কি হ্যালো হ্যালো প্রবীণ ম্যাম প্রবীণ রেড এফএম সে সকাল সকাল
मैं ना इतना गाली बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया। इतने बीप, माफ कर दो, इतने बीप, इतने बीप। अपना नाम तो चेंज करे, देखे जावा उचित बीप चक्रवर्ती। भाई सेकंड ईयर के सौरभ जी, हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौला पार रखा है, मतलब रॉकस्टार के वो जी नहीं है जनार्दन झाकड़ वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ मैं, खड़े खड़े सुसू निकलवा देता हूँ। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड। हेलो। हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था, आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना अनिरुद्ध। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। बजाता बेटे, जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे एक दो मिनट? जिप खोल के रख रहा, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो, आप क्यों बजाऊं यार? बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे कराने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं, सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम, ठीक है मेरी बात सुन। मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक के भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिया। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुंह देता है, तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुंह देगा। नहीं बजाऊंगा। प्लीज बजा दे बेटे, तेरा तू संभाल। बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। हैं गाली बक देगा? देख मेरा पोता क्या कह रहा है। क्या मतलब है, क्या यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे, कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा दे? निकलवा देते हो। अरे मैं गिटार से सिखाई कर दूँ। छोड़ दे सौरभ, तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से, भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ता माजी सटक ली, ऐसा संजय जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में वो बुके का, केक का, यू नो गिफ्ट आइटम्स ऑर्डर करने का थोड़ा सा बिजनेस खोला है, लेकिन थोड़ा मामला टाइट से चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी की लहर आज हम दौड़ा देते हैं, बजाओ इनका। ओ नहीं यार फालतू की बातें मत करा करो आप। हेलो। हाँ संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ये सुनने में आया आपने कुछ अपना ये फूलों का गुलदस्तों का बिजनेस शुरू करा है? जी जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी लोकेलिटी में एक इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मतलब और क्या क्या गिफ्ट आइटम भी रखी हुई है आपने? जी सब कुछ, पैडी वगैरह, चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। खैर मैं फिलहाल के लिए आपको एक मदद चाहिए थी, मैं पूछ रहा था ये कहते हैं वो फूल होता है ना जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। हाँ जी हाँ जी। गुलाब का? नहीं गुलाब नहीं, मैं बना लूंगा, बड़ा अच्छा गुलदस्ता बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छा वो गेंदे का? नहीं गेंदे का भी नहीं है वो, बड़ा चमेली का? नहीं चमेली भी नहीं है। नहीं व्हाइट रोज? नहीं व्हाइट रोज भी नहीं है, थोड़ा प्यारा सा होता है वो, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा, प्यारा सा अच्छा सा। ये लंबी सी डंडी होती है, ऊपर में होता है फूल जो होता है, रजनीगंधा। हाँ एक सेकंड, मैं बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी थोड़ी कहते हैं रजनी सुन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को बता दे कुछ सामान लाना है तो। नहीं चले जाओ। चलो ठीक है जी, तो इसका बनवा दो जी गुलदस्ता। नहीं नहीं ये तो हमारी मेरी बीवी का नाम है रजनी, दिमाग में आ नहीं रहा था अब उससे पूछूंगा भी तेरा नाम क्या है, तो फिर तो बीवी का नाम नहीं आया था, मेरे टाइम खराब करना था यार आप तो इतना। कुछ नहीं है, तूने कमाल की बात हो गई यार, अपनी बीवी का नाम पूछा, तेरी बीवी का नाम थोड़ा पूछ लिया, तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अपनी बीवी का नाम पूछने के लिए, बीवी तेरी मेरी है, काम धंधा डाउन है तो दिमाग खराब कर लो। चलो केक का बता दो फिर। केक लेना आपने? नहीं लेना तो बता दो, वैसे कौन कौन से हैं?
चॉकलेट, अच्छा वनीला, अच्छा स्ट्रॉबेरी, नहीं और मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट एक सेकंड। हाँ रजनी जी, वो मिक्स फ्रूट वाला जैम मंगवा लियो, उसको बोल के दीपिका स्टोर वाले को। ठीक है मंगवा लूंगी। ठीक है वीर जी, धन्यवाद, फिर आपका काम अच्छा चले मैं कहता हूँ भगवान से दुआ हमारी। मिक्स फ्रूट भेज दूं जी? नहीं, मिक्स फ्रूट का जैम जो था हम भूल गए थे, वो हमने अब अपने किराने वाले को बोल देना, फिर वो भिजवा देगा जैम। तेरी अंदर तो है नहीं, तू पर शोर मत खराब कर रहा है। हेलो, हाँ जी बोलो। एक भेजूं? बड़े ढीठ आदमी हो यार, ढीठ चाहिए। कौन बोल रहा है? दांत ऊपर से निकाल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है भाई। वाकई में बहुत धंधा बंदा चल रहा है क्या? हाँ यार, मैं 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, उनका बैंड बजा रहे थे। सही है भैया, सही है भाई। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं पुनीत जी का। वैसे तो इनका काम प्रॉपर्टी का है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फिल्मी कीड़ा भी है जो इनसे भी बड़ा होता जा रहा है। आज ट्रेलर काटो इनका, बजाओ इनका बैंड। हेलो, अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी, कौन ये भैया? बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापस कर दो आप। मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हैं तो बताओ पहले हमें। भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी, उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया। अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे, वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ? अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन, आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़ा रहा हूँ। अब बताओ ऐसे कहने लगे? हाँ क्या आवाज आ रही बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे घर में बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं झूठ नहीं। हम तुम में इतने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली करने ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है? उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने। तो बोलिए मैं क्या करूँ फिर? हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोला है? हट कर रहे हो, हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ पर तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही जो कहते हैं। मेरे बारे में इतना मत सोचना। अबे ओ, हेलो। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अबे ओ सुन, सलमान खान की छठी औलाद मेरी बात सुन, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दो, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला। तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरे मां के। अरे बुड्ढा कौन है? 34 साल का तो टोटल चौबे बोलना हुए। किस तरह हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? किस तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेके नीचे तक? हमारे हमारे गांव के बच्चे पता क्या कहते हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी भाई बस 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 भाई बस। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।